कम्युनिस्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। बात उस समय की है जब हनुमान मंदिर में शिव जो मंदिर है उसका अभिषेक होने की तैयारी चल रही थी। भक्त आ रहे थे, भक्त महाराज जी के पास बैठ रहे थे, दरबार चालू हो चुका था और दूसरी तरफ प्रसाद बट रहा था, पूरी सूखे आलू और हलवे का प्रसाद। ये सब काम चल रहा था और सच में महाराज जी के पास अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाए, सोच के ये जाए कि मैं बस दर्शन करके अभी बस मैं यहां से निकलूंगा, तो फिर समय मिनट घंटे और सच में दिन तारीखों का पता नहीं चलता, आदमी भूल जाता है। लोग रहते हैं वहां, सेवा करते हैं और जो सेवा करते हैं, जो श्रद्धा भाव से वहां रुकते, वो जान ही नहीं पाते कि समय कब चला गया। एक भक्त हुई है शारदा पंत। शारदा पंत, पूरनदा, रब्बूदा, ये सब एक ही परिवार, एक ही रिश्तेदारियों में से नाम आते हैं। और ये शारदा पंत जो है वो कविवर सुमित्रानंदन पंत, यही फैमिली है उनकी। और रिश्तों में जोशी, पंत, ये लोग आप जानते हैं कि एक दूसरे में ब्राह्मण्स हैं ये उत्तराखंड के। और ये परिवार महाराज जी के सानिध्य में बहुत रहा है। तो शारदा पंत जी पूरनदा के साथ दर्शन के लिए गई हैं महाराज जी के। शारदा जी सेवा करती हैं कृष्ण भगवान की, राधे राधे का जप करती हैं और कृष्ण भगवान को ही सर्वस्व मानती हैं। पूरनदा आए और पूरनदा के साथ उन्होंने सोचा चलो दर्शन करके आ जाए। कैची धाम में महाराज जी राम मंदिर के बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं और वहीं पूरनदा बैठ गए, भक्त और बैठ गए। शारदा माँ क्या देखती हैं कि वो कृष्ण स्वरूप में वहां बैठे हैं। अभी जब वो मंदिर में घुसी थी, कैची धाम के प्रांगण में आई थी, तो उन्हें महाराज जी के दर्शन हुए थे और महाराज जी के दर्शन में उन्हें अचानक कृष्ण भगवान दिखाई पड़ने लगे, महाराज जी गायब हो गए। महाराज जी को वो बहुत गौर से देख रही हैं, बहुत टकटकी लगा के देख रही हैं, लेकिन महाराज जी अब नहीं है वहां, कृष्ण भगवान है, मुरली बंसी धरवाले वहां विराजमान हो चुके हैं। और जब वो काफी आंखें मचलती हैं, इस तरह से देखती हैं, चेतन अवस्था को और जागृत करने की कोशिश करती हैं, तो कृष्ण भगवान ही है। फिर जब ये खेल थोड़ी देर चल गया तो महाराज जी ने पूछा, क्यों कन्हैया जी को प्यार करती हो? इस तरह के वचन सुनकर शारदा मौसी ने, शारदा पंत ने, जो रब्बू दादा की मौसी हैं शारदा पंत जी, उन्होंने ये कहा, हाँ महाराज जी मैं कृष्ण को प्यार करती हूँ, लेकिन कृष्ण तो आप में समाहित हैं, हमने तो अभी अभी आपके दर्शन कृष्ण के रूप में किए हुए हैं। महाराज जी का जो स्वरूप उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा कि कृष्ण भगवान मेरे सामने बंसी बजा रहे हैं और उन्हें महाराज जी के दर्शन कृष्ण स्वरूप में हुए। तो मित्रों, जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि महाराज जी प्रभु के अवतार नहीं थे, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि उनकी सैकड़ों सैकड़ों कथाएं ऐसी हैं जहां जिस वक्त, मैंने आपको एक ये भी बताया था कि साई भक्त आया था, उन्हें साई के दर्शन किए, उसमें हनुमान भक्त को हनुमान के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण भक्त को कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। और निश्चित रूप से ये मानिए कि ईश्वरीय शक्ति एक है, आप जिसको मानेंगे वही आपका शुभचिंतक है, वही रूप आपको दिखाई पड़ेगा। तो शारदा जी को कृष्ण के रूप में महाराज जी के दर्शन हुए। कृष्ण स्वरूप की ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।